दोस्तों आइए जानते हैं कि दिल्ली की अदालतें कैसे चल रही हैं, इसके केस की प्रक्रिया कैसे चल रही है। दोस्तों कुछ यूनिक जानकारी मैं आपको दूंगा दिल्ली की अदालतों से, ताकि आप अपने शहर की अदालतों का कंपेयर कर सकें कि वहां की अदालतें और दिल्ली की अदालतों में क्या फर्क है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत लोगों का ये सपना होता है कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करूँ, दिल्ली में वकालत करूँ, दिल्ली में पढ़ाई करूँ और यहाँ की अदालत में वकालत करूँ। वैसे लोगों को भी इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है कि दिल्ली की अदालतें कैसे चल रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों के दिल्ली में केस लगे होते हैं, दूसरे शहरों से आकर यहां तारीख अटेंड करनी होती है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि उनके केस में दिल्ली की अदालतों में कैसे सुनवाई होगी। 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय हैं दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, करकरडूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारिका कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, ये 7 जिला न्यायालय हैं यहाँ पे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं दोस्तों कि दिल्ली की जितनी भी अदालतें हैं उनमें सुनवाई अंग्रेजी में, इंग्लिश में ही हो रही है। दिल्ली की अदालतों में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ आपकी पिटीशन, आपकी बेल एप्लीकेशन सारी चीज़ें इंग्लिश में ही जाएंगी, इंग्लिश में ही फाइल होंगी, उनका जवाब भी इंग्लिश में ही फाइल किया जा रहा है। दोस्तों दिल्ली की ज़्यादातर जिला न्यायालयों में एक सेपरेट फैमिली कोर्ट बिल्डिंग बना दी गई है, ताकि कोर्ट की मेन प्रक्रिया से फैमिली मैटर्स को सेपरेट यानी अलग किया जा सके। कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जहां सेपरेट बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जैसे करकरडूमा, तो उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे फैमिली कोर्ट मैटर्स के जजेस को जगह दी गई है। इस तरीके से साकेत में बिल्कुल ही सेपरेट फैमिली कोर्ट है दोस्तों, और पटियाला हाउस कोर्ट में भी फैमिली कोर्ट बिल्डिंग को बिल्कुल ही सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। फैमिली कोर्ट में भी अगर कोई डिवोर्स फाइल होता है, कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, या फिर अनलमेंट ऑफ मैरिज के केसेस फाइल हो रहे हैं, कोई भी मैटर फैमिली कोर्ट में अगर किसी को फाइल करना है तो वो इंग्लिश में ही उसकी पिटीशन फाइल होगी। उसका जो जवाब आना है WS रिटन स्टेटमेंट, वो भी अंग्रेजी में होगा। दोस्तों ये मैं क्लियर कर चुका हूं। साथ ही मैं बताऊं कि जो एविडेंस होंगे, जो गवाही होगी, जो विटनेस आएगा दिल्ली की अदालतों में, उसके बयान वो अगर हिंदी में बोलता है कि मुझे मारा गया, मुझे मेरी पिटाई की गई, तो उसके बयान को टाइपिस्ट इंग्लिश में ही लिखेंगे कि आई वॉज ब्रूटली बिटन बाई द अपोजिट पार्टी, आई जस्ट escaped from the place। इस तरीके से उसके किसी भी बयान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा और जो एडवोकेट होते हैं वही उस बयान को लिखवाते हैं। दोस्तों टाइपिस्ट उन बयानों को लिखते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जो वकील कर रहा होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आंसर मिलते हैं उस आंसर को भी एडवोकेट को ही लिखवाना है। जज बीच में अगर कहीं कोई चिक या दिक्कत होती है तो जज इंटरफेयर करते हैं, फिर उस लाइन को सही करा देते हैं। दूसरी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर जज का इंटरफेरेंस होता है और जज अपने बयान कराते हैं। नॉर्मली ये एडवोकेट ही उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के हिंदी वाले बयान को इंग्लिश में लिखवाना होता है। ये है दिल्ली की अदालत। कभी कभी दोस्तों कोई सेंसिटिव क्रॉस एग्जामिनेशन है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें उलझी हुई हैं, तो जज साहब कहते हैं कि मैं कराता हूँ, आप विटनेस से क्वेश्चन पूछो, जो विटनेस बोलेगा मैं उसको लिखवाऊंगा। तो फ्रंट पे जजेस भी कभी कभी आते हैं और कहते हैं कि ये लाइन मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि दोनों वकीलों के बीच में कुछ तनाव की स्थिति हो जाती है, वो एक दूसरे से कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होने पर जज साहब मूव करेंगे और बोलेंगे मैं कराता हूँ, मैं लिखवाता हूँ, विटनेस क्या कह रहा है मुझे सुनने दो। दोस्तों ये भी है एक प्रक्रिया कोर्ट में। दोस्तों ये तो बात हो गई एविडेंस की, गवाही की, अब मैं बात करूं बहस कैसे हो रही है दिल्ली की अदालतों में। जो जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसमें बहस, मेजॉरिटी ऑफ बहस दोस्तों 60-70% बातें इंग्लिश में ही बोली जा रही हैं, 30% बीच बीच में हिंदी मिक्स किया जा रहा है, और कुछ वकील कभी कभी बहुत हिंदी भी बोल लेते हैं। लेकिन आपका जो काउंटर होगा, जो दूसरी पार्टी होगी, उनके एडवोकेट होंगे, वो इंग्लिश में आपको काउंटर करेंगे, तो जज भी बीच में इंग्लिश में काउंटर कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश नहीं पता और आप सिर्फ
सिर्फ हिंदी में ही पूरी बातें रख दो, ये संभव नहीं है दोस्तों। बीच में इंग्लिश क्वेश्चंस के जवाब इंग्लिश में देने हो सकते हैं, आपको आपको अंग्रेज़ी की पूरी समझ होनी चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादातर बहस भी चल रही हैं, हिंदी मिक्स हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के कमांड के साथ हिंदी लोग बोल रहे हैं। ऐसे वकीलों की कमी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो दिल्ली की कोर्ट में खड़े हैं और बहस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। वहीं दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदी है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, आपकी कोई पिटीशन या कोई भी आर्गुमेंट बहस हिंदी में नहीं हो रही है, वहां इंग्लिश में ही अपनी बातें रखनी है, जो कुछ भी फाइल होगा वो इंग्लिश में ही होगा। दोस्तों दिल्ली की अदालतों में डेट बहुत लंबी मिलती है, मैं आपको बता दूं, आप अपने कोर्ट से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ अगर आप जाड़े में जा रहे हो तो शायद गर्मी की डेट मिल जाए, ये हालत है। 3 महीने 4 महीने की डेट बिल्कुल आम है दोस्तों। आप जनवरी में जा रहे हो तो अप्रैल की डेट मिल जाएगी। कभी कभी किसी अर्जेंट मैटर में या ऐसे मैटर में जिसमें सुनवाई जल्दी करने के कोई निर्देश हैं या कोई नोटिफिकेशन है तो कोर्ट 1 महीने या 2 महीने की डेट देती है, उसको शॉर्ट डेट बोलते हैं कि जल्दी की डेट मिल गई। कुछ वकील भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट डेट दे दें जनाब, यहाँ जो अदालत को एड्रेस किया जा रहा है निचली अदालत में, या तो आप सर बोल सकते हो या उनको माय लॉर्ड या लॉर्डशिप आप ऐसे शब्द भी यूज कर सकते हो, या फिर जनाब भी बोला जा सकता है कि जनाब मुझे कोई शॉर्ट डेट दे दी जाए। ये तरीका चल रहा है दोस्तों, और ज़्यादातर जजेज रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मेरी डायरी खाली नहीं है शॉर्ट डेट के लिए, आप उसी डेट पे आओ। तो ये दिल्ली की अदालतें डेट के मामले में ऐसे चल रही हैं। साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं दोस्तों कि दिल्ली की अदालतों में जजेज के ट्रांसफ़र सबसे फास्ट हैं। ज़्यादातर जजेज 3 महीने 6 महीने 8 महीने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक डेट अगर गए, अगली डेट पे आपको मालूम चलेगा कि कोई और जज उस पे बैठे हुए हैं, पहले वाले जज ट्रांसफर हो गए। प्रश्न ये भी उठता है बार बार कि दिल्ली में किस तरह के केसेस सबसे ज्यादा हैं, कौन से मामलों में कोर्ट सबसे ज्यादा उलझी हुई है, उन मामलों के समाधान में लगी हुई है। दोस्तों जैसा कि सबको पता है 138 चेक बाउंस के केसेस सबसे ज़्यादा दिल्ली में भी हैं, जो कि और शहरों में भी ऐसे केसेस दर्ज हो रहे हैं। फैमिली मैटर्स, मैट्रिमोनियल केसेस, हस्बैंड वाइफ के मामले बहुत ज़्यादा दिल्ली में हैं दोस्तों। पिटीशन सूट, भाइयों में लड़ाई, ये सारे केसेस भी सिविल कोर्ट में चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा केसेस, मतलब जो ग्रोइंग केसेस हैं एक नेचर के, वो हैं सीबीआई के केसेस, करप्शन के केसेस दोस्तों, ईडी के केसेस।